घरों दा शाद रहे माँ का साया भी पास रहे फूलों जैसे आंगन में तेरे साथ रहे खुल के जी रहे यार के दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। अब भाई मेरा वोट शफीक की तरफ है। तुम लोगों के हिस्से तुम्हें दिए देता हूं मैं और उनके हिस्से की बात उनसे कर लूंगा। साल बड़े जड़े दूर तक चली जाती है जमीन में, बड़ा मुश्किल होता है खेलना। मेरा क्या पड़ेगा खाला जी, मेरे बच्चे अब सारे कहाँ जाएंगे? सिद्धार्थ भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि इस घर को ना बेचे, इसके टुकड़े ना होने दें। वो चलती हुई फैक्ट्री थी ना जी, तो वो अच्छी उसकी प्राइस तो मिल रही थी, देखिए इतनी अच्छी मिल जाएगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। वो घर का भी एक दो दिन में हो जाएगा भाई। हाँ वो आसिम तुमने क्या सोचा है? मैं चाह रहा था कि घर जो है ना वो कोई एक ही एरिया में हो ताकि मिलने में आसानी रहे। अब भाई भी अपने बच्चों से उदास नहीं होंगे, दूर होंगे ना तो वो आने जाने में मुश्किल होगी। क्यों चाचा जी और चाची ने बस हमारे पास ही रहना। क्यों मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? ओ यार आसिम तू बुरा ना मनाई, अब्बा ने तेरे साथ रहना है या नहीं ये तो बाद की बात है, पहले तू ये सोच के तेरे साथ लैला ने रहना है या हसीना ने या फिर दोनों ने। ये तयशुदा है चाचा ही चाची हमारे साथ ही रहेंगे, हमारा हक ज्यादा बनता है। क्यों चाचा ही? वैसे भी आपने होना है हमारे घर तो तभी बरकत और रौनक होनी है ना। फिर नीला और जोया का मैका भी तो आपकी वजह से बनना है हमारा घर। जाहिद ने भी आ जाया करना बच्चे लेके, तो जरा रौनक ही लगी रहेगी। नहीं हाँ, कभी आसम आ जाएगा। अब भैया ले रही है नाश्ता यार, तो कुछ ले। बस मियाँ जी, हम ना जाहिद के साथ रहेंगे। देखिए मियाँ जी, मैंने आपकी सारी जिंदगी हर बात मानी है, मगर आपको मेरी ये बात माननी होगी। बस अब हम जाहिद और रुबीना के साथ ही रहेंगे। अब खुदा के लिए मियाँ जी ये ना कहना कि मैं रुबीना का इसलिए कह रही हूँ कि वो मेरी बहन की औलाद है और मैं उसके लाड में उसके पास रहना चाहती हूँ। आपको भी पता होना चाहिए मियाँ जी कि एक माँ के लिए उसका सबसे छोटा बेटा कितना अजीज होता है। ठीक है जैसे माना, अब मैं ना कोई सवाल करूंगा ना कोई एतराज करूंगा। तुम मानो, मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तेरे साथ गुजारने, तू जहां चाहे ले जा। और मैं अब्बा जी, मेरे बारे में क्या सोचा अब्बा जी? मुझे तो आपने ये कह के रोका था कि मैं अब आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, और मुझे अब इस घर में आपकी बेटी बन के रहना। तो फिर मेरे बारे में क्या फैसला किया आप दोनों ने? अपनी बेटी को किसके पास छोड़ के जाएंगे या किसके पास लेके जाएंगे? हो गया अब्बा जी, मैंने ना एक बारी कहीं पे पढ़ा था कि एक माँ होती है तो उसके 5 बेटे होते हैं, 4 जन्नत में चले जाते हैं। तो जब माँ को जन्नत में जाने का कहते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो वहीं जाना है जहाँ मेरा छोटा बेटा है। चाचा जी और चाची जी जाहिद के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे कम करते हैं। वो तो इसलिए उसके साथ जाना चाहते हैं कि उनको पता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। क्या मुझे ज़रूरत नहीं? माशाल्लाह जवान बेटा है मेरा, नाना दादा बनने की उम्र में हूँ, लेकिन वालदेन की साये की जरूरत आज उम्र के हर से मिलती है। आप ठीक कह रहे हैं सजाद, और चाचा और चाची जी भी अपनी जगह ठीक ही हैं। हम उन्हें दुनिया के सारा सुख सुकून दे सकते हैं। आसम की तरफ जाएंगे तो आसम ने भी कोई कमी तो नहीं रखनी ना उनके ख्याल में। लेकिन सजाद, उनका दिल नहीं लगना कहीं पर भी, क्योंकि उनको पता है ना कि जाहिद किसी के सहारे के बगैर नहीं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता भी। हमारी दी हुई तमाम सहूलतों और आराम के बावजूद भी ना उन्होंने बेचैन ही रहना सजाद। माँ जो होती है ना, वो अपने उस बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है जिसका उसको पता होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि अपना खुद ख्याल रख सके। तो बस अब दिल को तो नाम ही लाया, समझने की तो कोशिश करें। अपने सच्चे हो जो तेरे गुजर जाएंगे दिन ये चार रिश्तों में खुशी मिल छोटा बनाया आपको चाहिए कोई महल में ना। लाउंज बहुत छोटा नहीं बनवाया आप लोगों ने। मुर्ग मुसल्लम को लो हमारा टब्बर है ना बहुत बड़ा है। तो मैं भी ने सोचा कि इतना बड़ी पैकेज बनाने क्या हर बच्चे का कमरा बड़ा होगा। वो हमारा घर पुरानी तर्ज का बना हुआ है। देखें ये हमारा मसला नहीं है मगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी। ओह मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया। वो यहाँ मैंने की बाड़ भी लगाई हुई हमने। वो जब मेरी शायना पैदा हुई ना मेरी बेटी हाँ जी तो वो अब्बा इन्होंने जी खुद यहाँ एक मेहंदी की बाड़ लगाई थी। वो चाहते थे कि उनकी पोती ना अपनी नन्ही मुन्नी हथेलियों पे घर की पिसी हुई मेहंदी लगाए बाजार की केमिकल वाली नहीं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। आपके घर में तो बेटियाँ होंगी ना वो बड़ी खुश होंगी ये मेहंदी का पौधा देख। देखें हमें इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि आप ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपकी इमारत ओल्ड फैशन है। ये जगह हमें पसंद है और हम लेने को भी तैयार हैं लेकिन हम तो इस बिल्डिंग को गिराकर अपनी मर्जी का घर बनाएंगे। अच्छा सज्जाद साहब आप कानूनी तकाजे पूरे कीजिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात। शफीक को तो बिल्कुल ही मुट्ठी में कर दिया। आओ शफीक आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम आ जाओ आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाओ। यार शुक्र है कि मैं मजीद नहीं रुक सकता। यार इतना टाइम भी नहीं लगना था। मैंने तो कहा था मेरे जिम्मे लगा दो घर भी बिकवा देता और कीमत भी दुगनी दिलवाता ना। आलू अच्छा ये तुम नहीं बीच में पड़े लोगों ने बातें करनी थी। आजकल खलूस की कोई कदर नहीं करता। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वापसी की टिकट कंफर्म करवा लेता हूँ इसी हफ्ते निकल जाता हूँ। मेरे पास 2 दिन है बीच में। इन 2 दिनों में मैं वलीद की शादी की डेट फिक्स करवा लेता हूँ। इतनी जल्दी डेट फिक्स? ओए ये रमना या रमशा किसके साथ शादी की बात की है? अभी तक कुछ तय नहीं किया। तय किया नहीं है तो तारीख भी रख रहा है। ये बाहर रहने वाले तो वाकई बड़े फास्ट चलते होंगे। अच्छा बिस्मिल्लाह हाँ कुछ बात कर रहे थे। अच्छा भैया नीला तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरा इतना साथ दिया मॉरल सपोर्ट की वरना ये काम इतना आसान नहीं था। ओह यार मेरे पास 2 दिन है मैं बहुत बिजी हूँ। आज रात को वैसे भी ख्वाजा साहब ने डिनर पे बुलाया हुआ है। मैं चाह रहा था कि अब्बा जी अम्मी भी मेरे साथ चलते। दादा दादी हैं ना मगर इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वो चलेंगे। लेकिन अनिला तुम फुफी हो तुमने मेरे साथ चलना होगा। कहाँ जाना है और ये ख्वाजा साहब कौन है? भाई ख्वाजा साहब बहुत बड़ा नाम है तुम नहीं जानती। अलाउद्दीन तुम तो जानते हो ना कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, हाँ। हाँ, उसी की बेटी के साथ मैंने वलीद का रिश्ता तय कर दिया है। असल में उनकी बहन जो है ना जर्मनी में मेरे पड़ोस में रहती है उनके थ्रू ये रिश्ता हुआ है। और अब देखिए इतने बड़े लोगों में मैंने रिश्ता किया है ना तो शादी तो धूमधाम से करनी होगी ताकि उन पर यह साबित हो जाए कि हम उनसे किसी तरह भी काम नहीं है। और अलाउद्दीन मेरी तरफ से बिजनेस के लिए मासरत। माशाल्लाह। वैसे भी एक गिनती का 1.5 करोड़ इसमें से मैं बिजनेस क्या करूंगा और वलीद की शादी क्या करूंगा हैं? वलीद की ससुराल वालों ने तो उसको माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त बिस्कुट लेने गई है खाली कावा ही पीना है। एक तो लोगों को आदत होती है सवाल करने की। हर कोई मुझसे पूछ रहा है 4 बेटे हैं तो 8 बेडरूम वाला घर क्यों बना रहे हो? पागल है सारे। इन चार बेटों के माशाल्लाह बेटे बेटियां भी तो होंगे, और बार बार मैं कमरे में जल पाता रहूंगा। अपने सच्चे हो जो तेरे, गुजर जाएंगे दिन ये चार, रिश्तों में खुशी मिल जाए, भूल के जी ले यार के यार। और ये मकान क्या होता है? ईंट गारे सीमेंट से बना हुआ एक चबूतरा। घर तो वो होते हैं जहाँ दिल बसते हैं। तुम्हारा क्या है? कहीं जाकर बसा लेने अपना दिल। हाँ ये ठीक है, याद आती है खाती एक वाबस्तगी होती ना भाई, और कोई गल नहीं, जब दिल करेगा आकर देख लिया करूंगा। हम ना होंगे, हम जैसा कोई दूसरा होगा, और मना थोड़ी करेगा वो। जब मैं बहुत उदास होगा तो अपने हाथों से लगाए हुए पौधों को देखने आ जाया करूंगा। जिद जिद और सिर्फ जिद। सजाद भाई ये सब कुछ जिद में आके करते हैं। देख आसिम, अगर तू एहसास नहीं ना कर सकता कि सजाद के दिल पे क्या गुजरी है, तो ये पुट्ठे सीधे अंदाजे और इल्जाम भी उन पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आसिम भी गलत नहीं कह रहा है। शफीक भाई ने अगर अब्बा जी से बात करनी थी तो जरा तरीके से करता, सजाद भाई को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? और फिर उसने सजाद भाई की नीयत पे शक किया है, यहाँ तक कह दिया है कि सजाद भाई सब कुछ अकेले ही हजम करना चाहते हैं। अब जाहिर है सजाद भाई को इस बात पे दुख तो होना ही था, और यही वजह है, इसी दुख की वजह से उन्होंने जिद पकड़ी है। और अगर उनको शफीक भाई पे गुस्सा था तो उन पर निकालते। हमें से यहाँ पे किसी की मजाल नहीं है कि हम सजाद भाई की तरफ उंगली भी उठा सके। अब इतनी बड़ी बात साबित करने के लिए उनको इतना बड़ा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अम्मी जी आप ही कुछ कह दें। हाजरा सामान बांधना शुरू कर दिया है ना, आहिस्ता आहिस्ता भी करेगी तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ओहो अम्मी जी, हम आपसे क्या कह रहे हैं और आप सामान बांधने की बातें कर रही हैं। जो काम करना है उसी पर ही बात करूंगी ना। तुम लोग तो खामखा फजूल पंचायतें लगाकर बैठ गए हो कि अम्बा जी ने ये क्यों कहा, सजाद ने ये क्यों कहा। हब इस बहस का फायदा। और आसिम, तूने अगर किसी मसले पर सर खपाना है तो इस मसले पर सर खपा के लैला का क्या होगा। हम तो उसे सर आंखों पर बिठाकर अपने पास रखने वाले हैं सारी उम्र। बेटी का आया उसे, पर अब वो ना सजाद के पास रहेगी और ना जाहिद के। उसका ख्याल है कि वो हम पर बोझ बन जाएगी। जी सजाद भाई। ओए आसिम, आसिम जल्दी आ जा। अब्बा जी क्या हुआ है, आराम से बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। जल्दी आ जा, देख सजाद को क्या हुआ। अब्बा जी क्या हुआ है? आसिम जल्दी आ। क्या हुआ है? वो फाटक है, फाटक रेलवे का। आसिम और हुआ क्या है? आसिम भाई क्या हुआ? कांस्टेबल है, कोई एम्बुलेंस देखे, वहाँ साइड पे होगी कोई। मैं करता हूँ कॉल को गाड़ी। बैठ बैठ बैठ। हो सकता है सजाद का फोन हो, चाचा के बारे में कोई बतानी हो बात जरूरी भी हो सकती है चाचा। अच्छा बस चुप ना, तुझे बहुत ज्यादा पता है। कोई नहीं फोन उठाएगा। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कोई बुरी खबर है, बुरी खबर है, बुरी खबर है। टिंग डंग डिंग डंग। शेख चिल्ली के सारे अंडे उसने तुम्हारे मुंह पे ही फोड़ डाले। बड़ा इतरा रही थी मेरा भाई, मेरा मान, मेरा संभान, मेरा प्रधान। तू कर ले उसकी तरफदारी, फायदा निकाल गया ना अपना, काम निकलवा लिया उसने। और ये जा और वो जा, तू मुंह देखती रह जा। बस आओ जी, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ शफीक, आ जाओ। अनीला तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भाई रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, कोई तो मेरे साथ मेरा अपना भी हो। नहीं शफीक भाई, मैं हर ऐरे गैरे के नहीं जाती। ऐरा गैरा? हाँ। अलाउद्दीन इन्हें बताएं कि ख्वाजा साहब चीज क्या है। आज बड़ी तोप चीज है जी ख्वाजा साहब, तो तोप चीज है तो होंगे। अपने घर में हमें क्या है, हम नहीं लुढ़कते इस तरह के लोगों पे कि बड़ा पैसा है जी इनके पास, वो बड़ी जायदाद है, गाड़ियां है, कारोबार है। हमको भूखे नंगे हैं यार। मैं तो समझा ही सकता हूँ तुझे, बुरा ना मनाना मेरी बात का। देख तू कर रहा है इस वक्त हल्का सा लालच, ना कर, तंग होगा। बेटे की शादी का मामला है, बेटा वहां पे ब्याह देगा, जितने अमीर वो लोग हैं, लड़की तो तुझे तिगनी का नाच नचा देगी। हाँ शफीक भाई आपको तो पता लग जाएगा, सिर्फ 4 दिन में ये लड़की आपके पास नहीं टिकने वाली। ऐसी बहू लाने का क्या फायदा, 2 दिन में आपका बेटा लेकर अलग हो जाएगी। 2 दिन? अरे तो शादी के 2 घंटे बाद ही अलग हो जाएंगे, ये बात तो पहले से तय है। मुझे ऐसी बहू नहीं लानी, खिदमतें करती रहे हमारी और हांडी चूल्हा करती रहे। यहाँ जर्मनी में ये सब नहीं होता। और ऐसी बहू लाने का मुझे क्या फायदा जो हमें वक्त पे नाश्ता दे दे, खाना दे दे, चाय दे दे। और इन सबसे बलीद को क्या फायदा होगा। ख्वाजा साहब अपनी बेटी को करोड़ों की जायदाद दे रहे, करोड़ों की। जी जनाब, पाकिस्तान में एक वेल फर्निश घर तो दे ही दिया है उन्होंने, दुबई और लंदन में भी उनके नाम अपार्टमेंट्स कर रहे हैं। मेरा वलीद उनका बिजनेस संभालेगा। मुझे तो अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सारी जिंदगी परदेश में नौकरियां करता फिरे। और कोट पहन के आ रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब से तो मिलो जाके। जी हौसला करें, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। हौसला करें, कैसे हौसला करें। पूरा आधा घंटा सजाद का सर गोद में लिए बैठे था, बस को मैं उसको उठाकर अस्पताल। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब पेमेंट प्रोसीजर फॉर्म्स में फिल कर दूंगा, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। हाँ, डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो फौरन शुरू कर दें। आपने आने में बहुत देर कर दी, इनको एक्सपायर हुआ आधा घंटा हो गया। सॉरी। नहीं पिया जाएगा पानी, ना मेरे हालत से नीचे उतरना है। हो गई बात मेरी सदान से, अस्पताल की तरफ जा रहा है, उसे नहीं कुछ पता, कहता है पहुंचता है तो बताता हूँ। हौसला करें खाला जी, पता तो है ना कितनी गर्मी है, खालू जी की ना शुगर लो हो गई होगी, फिक्र ना करें, परेशानी की कोई बात भी नहीं होगी, देख लेना। हाजरा फोन ना उठाए पुत्र, फोन ना उठाए। क्या हो गया चाची जी? ना मैं कह रही हूँ ना, फोन नहीं उठाना, किसी ने भी फोन नहीं उठाना, बस फोन नहीं उठाना। हो सकता है सजाद का फोन हो, चाचा के बारे में कोई बतानी हो, बात जरूरी भी हो सकती है चाचा। अच्छा बस चुप ना, तुझे बहुत ज्यादा पता है, कोई नहीं फोन उठाएगा। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कोई बुरी खबर है, बुरी खबर है, बुरी खबर। कैसी बातें कर रही है चाची जी, डरा क्यों रही है? अल्लाह ने खैर करनी है, कुछ भी नहीं होना, खैर होगी। फोन नहीं उठाना। तानी शायना, मैं खुद अभी डॉक्टर बस दुआ करना, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ दादाजी को? मौला ज़ोया डोला मोला, ओ ज़ोया डोला मोला। आखिर है क्या हुआ है? क्या हुआ है? हुआ क्या है? मैं मिली थी तुम्हें आसिफ, नहीं हूँ मैं समझदार, मेरे में नहीं हौसला, तुम तो चुप करो रुबीना। अच्छा मम्मी और अम्मी जी को कैसे बता सकती हूँ? अपनी जान को दे, चल यार उठ साला, सजाद भाई को घर लेकर जाना। ऐसे कैसे लेके जाए जासू? अब बाबा ऐसे तो नहीं लाए थे घर, तो इनको ठीक करा के लेके जाएंगी। हमारा जो नुकसान होना था ना वो हो गया है, अब वो नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता, अब जो रह गया ना उसी को संभालना है। आज ना दादी, आजी को, अब्बा जी को, तू चल, तू चल दे, हालत चल दे, संभाल खुद को, संभाल खुद को, संभाल। मुझे तो डर है, मुझे तो डर है, सजाद भाई को घर ले जाए, यहाँ पे अब्बा जी को एडमिट कराना पड़ गया। तू इधर मत रो, तू इधर ना रो, बाबा उठे, प्लीज उठे, उठे। संभाल खुद को, सोना, संभाल खुद को। तुझे रोना है ना? तो तू घर चल गई हो। वो अपनी माँ के गले लग गए हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या मसला क्या है बताओ? नहीं मतलब क्यों नहीं जाने दिया मुझे? बात मत करो, जहर लग रहे हो इस वक्त। अच्छी तरह से जानते हो मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। बन ठन के जा रहे हो शफीक भाई के बेटे के रिश्ते के लिए। पता है मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। तो दिल खून के आंसू रो रहा है तो मैं नहीं गया तो क्या हुआ? अब दिल खून के आंसू नहीं रो रहा, अब तुम्हारे अरमानों का खून नहीं हो रहा। अब मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ना था उन्हें? क्या फर्क पड़ना था? जो होना है वो तो होना ही है। हाँ मैं वहां पे चला जाता तो हमारा ही कुछ फायदा होना था। क्या फायदा होना था? हैं? निकाह में गवाह बना देते, ये फायदा होना था। बेवकूफ होना तुम, औरत हो, नहीं समझोगी। अब पागल ये जो अप्रोच वाले लोग होते हैं ना, इनकी कुछ और बात होती है। और शफीक भाई ख्वाजा साहब के समधी बन जाएंगे। ख्वाजा साहब बड़े अप्रोच वाले आदमी है। मैं डायरेक्ट उनसे मिला होता तो मेरी भी जरा बात बन जाती, कभी काम में पड़ जाता बंदे को। बाहर में जाए तुम्हारे नए नए ताल्लुकात। मुझे तो दुख इस बात का कि मेरे ये शफीक भाई के पीछे मैं कैसे ताल्लुकात खत्म हो गए। इन्होंने तो चले जाना है वापस, मोड़ कर नहीं पूछना। मेरे यहाँ के भाई इतने अच्छे थे, दुख सुख में साथ तो थे ना मेरे। अच्छे थे क्या मतलब है, वो अच्छे हैं। सजाद भाई बहुत अच्छे हैं। सजाद भाई जो है वो तुम्हारे अब्बा की तरह सख्त दिल नहीं है। तुम एक बार जाकर उनसे माजरत करोगी, माफी मांगोगी, देखना खुद गले लगा लेंगे तुम्हें। पता है ना उनके दिल का तुम्हें। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज छुट्टी होगी उन्हें फैक्ट्री से, आज चलते हैं माफी मांग लो जाके। ये तुम सही कह रहे हो, अब्बा जी को मनाना बड़ा टेढ़ा काम है। सजाद भाई को जाकर सॉरी शॉरी कहूंगी, माफ कर देंगे। और आलू रास्ते में ना उनकी पसंदीदा मिठाई भी ले लेंगे। ले लेंगे, ले लेंगे। मम्मा, हाँ बाबा, क्या शायरा, क्या सजाद मामू, क्या सजाद भाई को, क्या मोदी साहब कह रहे हैं हम ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। असल की बात का टाइम दिया उन्होंने जनाजे। यार शफीक भाई को फोन करके बताया किसने? जाहिद उन्हें कॉल करो, वो इसी शहर में है। अगर पाकिस्तान से बाहर होते तो बात अलग होती, लेकिन उन्हें बुला लो कहीं उन्हें इस बात का गिला ना रह जाए कि वो टाइम पर पहुंच नहीं सकते। और जो सजाद भाई को उनसे गिला है वो कैसे पूरे करेगा शफीक? चाचू को बुलाने या ना बुलाने का फैसला आधा चुका है। हम करेंगे तो हमें इतला देंगे। जी बाहर चलिए ना, सब आपका पूछ रहे हैं। यहाँ ऐसे कमरे में बंद रहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना? मेरे बाहर आने से कौन सा कुछ बदल जाएगा धीरे। अपनी जगह हालत बहुत खराब है, उनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। आपके हाथ में भाभी को देखे, उनको देखकर कलेजा फट पड़ता है। शायना, सादा, आप सबको आपके सहारे की जरूरत है। और मुझे किसी के सहारे जरूरत नहीं थी। सज्जाद मेरा हाथ छुड़ा के चला गया। इस उम्र में मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा, मेरा कंधा था, कंधा जिसके पैदा होने पर मैं सारी बात शुक्राने के नफिल पड़ता रहा। मेरा हाथ छुड़ा के चला गया, मैं कुछ भी नहीं किया, चला छोटा था, बीमार पड़ता था तो मैं कंधे पर लेकर उसको पैदल भागता था। एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के मदार वो पर लेकर फिरता था। सारी रात पट्टियां करता था। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई नहीं। मैं जानती हूँ कोई किसी का नाम को पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे 3 भाई और भी और आपके 3 बेटे जिनके कंधे पे आप सर रख कर रो सकते हैं। जरा उनका सोचिए, उनका कोई भी नहीं। हाजरा भाभी, सादा, शायद पापा जी आपसे छोड़ दे, शफीक भाई को आने दे, उन्हें फोन करने दे। बुला ले, उन्हें बुला ले। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ क्या करूँ मैं? मेरे सामने ना आने, मेरी नजरों के सामने ना आए। सजा चला गया, पता नहीं उन्हें माफ किया दीदी। मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। Ding 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 ding।